नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रीति। दरअसल मगध विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अनिश्चितता के कारण अब संकट गहराने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित विश्वविद्यालय के अंदर आने वाली 19 कॉलेजों के में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। ये वेतन नवंबर और दिसंबर महीने का है, जो उन्हें अभी तक जनवरी में नहीं दिया गया है, जिसके बाद उनकी परेशानियाँ बढ़ गई है। शिक्षक और कर्मचारियों की परेशानियाँ तो बढ़ ही हैं, इसके साथ ही पेंशनधारियों के ऊपर भी संकट छाने लगा है, क्योंकि उन्हें भी पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षक कर्मचारियों के साथ ही पेंशनधारियों को यह संकट परेशान करने लगा है। मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय के साथ ही विश्वविद्यालय के 19 अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन अभी तक नहीं मिले हैं। शिक्षक कर्मचारियों के नवंबर व दिसंबर महीने के वेतन नहीं मिलने से उनके समक्ष आर्थिक संकट छाने लगा, साथ ही तमाम परेशानियां भी बढ़ गई। हालांकि सरकार के स्तर से शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन व पेंशन आदि के लिए अक्टूबर व नवंबर महीने की राशि का भुगतान कर दिया गया। पिछले महीने प्रशासन ने सरकार द्वारा भुगतान पर देर किए जाने के बाद आंतरिक स्रोत शिक्षा एवं कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान कर दिया था, पर अब नवंबर के लिए रुपए उपलब्ध ना होने के बाद वेतन व पेंशन का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा। दरअसल मगध विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर विभूति नारायण सिंह को वित्त अधिकार प्राप्त नहीं है। यह भी फिलहाल मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर कोई आसीन नहीं है। इस कारण सरकार द्वारा नवंबर के रूप में उपलब्ध किए जाने के बाद शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन व पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया। इधर शिक्षकेतर संघ के अध्यक्ष अमितेश प्रकाश ने बताया कि अन्य मुख्यालय में नियमित संविदा व दैनिक वेतन भोगी करीब 540 कर्मचारी और लगभग 150 शिक्षक है। 19 अंगीभूत कॉलेजों में लगभग 3000 शिक्षक कर्मचारियों का 1000 शिक्षक कार्यरत है। इसी तरह एमयू मुख्यालय के माध्यम से लगभग 5000 पेंशनधारियों को हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है। अब कुल सचिव नहीं होने व प्रभारी कुलपति के वित्तीय अधिकार नहीं होने के कारण नवंबर व दिसंबर का भुगतान नहीं हो पाया, जिसके कारण कर्मचारियों में निराशा है और इनके समक्ष आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गया है। इसी तरह से विपक्ष की सुरक्षा में तैनात निजी सुरक्षा गार्डों का वेतन का भुगतान लंबित है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है, ऊपर से पेंशनधारियों का भी वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा वहां जो काम करने वाले अन्य गार्ड हैं, उनका वेतन का भुगतान भी अभी तक नहीं हो पाया है, और ये वेतन नवंबर और दिसंबर महीने का है। ऐसे में अब देखना खास होता है कि क्या जनवरी में उनके इन दो महीने का वेतन का भुगतान हो पाता है या नहीं। उन सारी तमाम खबरों से आपको हम जोड़े रहेंगे। आप बने रहें न्यूज पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।